नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट आइडियाज और मैं हूं आपके साथ शक्ति मिश्रा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं एक लघु उद्योग लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और इस लघु उद्योग को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स छोटी छोटी मशीनों को लगाकर इस लघु उद्योग के माध्यम से अच्छा खासा जो है रोजगार कर रहे हैं और अपने गांव क्षेत्र में रहकर भी वो अपना अर्निंग कर पा रहे हैं और काफी अच्छे जो है ग्रोथ के साथ भी इस FMCG प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने सफलता हासिल किया है। तो इसी प्रोडक्ट को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए, जैसा कि आपने देखा होगा मेरा मसाला उद्योग का वीडियो, उसमें मैंने 3 HP मशीन की जो है मशीनरीज लाई थी, आपको दिखाया था। आज के इस एपिसोड में मैं 5 HP की मशीन, जो कि काफी ह्यूज पल्वराइजर है, जिसके अंदर आप किसी भी अनाज, हल्दी का पाउडर बना सकते हैं, यानी कि सूखा जो भी आइटम है उसको आप इस पल्वराइजर के माध्यम से पीस के और इस पैकिंग मशीन के माध्यम से पैकिंग करके अगर आप बाजार में बेचते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। चाहे आप बिहार के हों, यूपी के हों, महाराष्ट्र के हों या देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि पार्ट टाइम या फुल टाइम एक लघु उद्योग शुरू किया जाए तो ये बिजनेस आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। मैंने देखा है कि इस बिजनेस में अगर 100 दुकानों में भी अपने माल का सप्लाई आपने शुरू किया है तो 100 किलो माल यानी कि 1 क्विंटल माल आपका रोज निकल जाता है, और अगर 1 क्विंटल माल इससे आपका रोज निकल जाता है तो रोज 1.5 से 2 हजार रुपए का प्रॉफिट आप आसानी से कमा सकते हैं। FMCG प्रोडक्ट है, इसलिए अगर FMCG प्रोडक्ट आपका चल गया और आपने अगर मेहनत से 1-2 प्रोडक्ट को भी बाजार में अच्छे से लॉन्च किया तो आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। आपका माल बिकता रहेगा, आप जागते हो, सोते हो, काम कर रहे हो, आराम कर रहे हो, आपका माल बाजार में बिक रहा है, आप अर्निंग कर रहे हैं। तो इस बिजनेस को ध्यान पूर्वक देखिए और अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को करिए और करने के बाद एक अच्छा खासा जो है आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं, आपके घर में कुछ नॉन वर्किंग लोग हैं, उनको भी आप इस बिजनेस में शामिल कर सकते हैं और उनको भी एक रोजगार आप दे सकते हैं, या फिर साइड बिजनेस कर सकते हैं, फुल टाइम इसी को कर सकते हैं। काफी अच्छा उद्योग है। देखते हैं ये मशीनें किस प्रकार से कार्य करती हैं और किस प्रकार से आप जो है इसके अंदर ग्रोथ ले सकते हैं। दोस्तों, आए दिन लोग मुझसे पूछते हैं कि शक्ति जी कौन सा बिजनेस करूं, ये बताइए। मैं कहता हूं कि शुरुआत कहीं से तो करो, कहीं ना कहीं से शुरुआत करो, सफलता ज़रूर मिलेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि आप शुरू करें कुछ ना कुछ, छोटा मोटा कुछ ना कुछ व्यवसाय ज़रूर शुरू करें। सो आप देख सकते हैं ये ह्यूज सा जो है एक पल्वराइजर आपको सामने दिख रहा है, गणपति मशीनरी एंड टूल्स का, जो कि वाराणसी बनारस में स्थित है। और अगर हम बात करें इस मशीन का तो काफ़ी ह्यूज है और सिंगल फेस बिजली पर ये मशीन चलता है। 5 HP की इसके अंदर मोटर लगी हुई है। अगर आप देखेंगे तो बड़ा सा ड्रम मिल जाता है इस मशीन के साथ मसालों को निकालने के लिए, साथ में एक कपड़ा मिल जाता है और एक ह्यूज सा चेंबर मिल जाता है जिसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। देखेंगे कि काफ़ी ह्यूज सा आपको चेंबर देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। चेंबर को अगर मैं चालू करूं तो आप देख सकते हैं कि इसका स्पीड कितना ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, ये है चेंबर का स्पीड, ये है, बंद कर दीजिए, ये देख सकते हैं आप कि कितना तेज स्पीड और कितना अच्छा ये पल्वराइजर है, मिनटों में आपके मसालों को पीस देगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप हमारे यहाँ पे आए और हमारे ग्राहकों को बताने के लिए। हमारे पास ये पल्वराइजर है 5 HP का, इसमें आपकी 8 तरीके की जाली लगती है जिससे आसानी से आप मसाला और अनाज को पीस सकते हैं। जैसे कि 1 नंबर की जाली है, 1 नंबर में आप सूजी, मैदा वगैरह तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक जाली है। उसके बाद 2 नंबर की जाली आती है, इसमें आप आटा, हल्दी दोनों पीस सकते हैं। और फिर तीन नंबर की जाली आती है जिसमें ज़्यादातर आटे का और बेसन का प्रोडक्शन किया जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर की जाली
लगी रहती है। और उसके बाद आता है ये 7 नंबर और 6 नंबर की जाली, जिसमें आप दलिया, दर्रा, गाय का चारा सब कुछ इसी मशीन में आप जालियों के द्वारा आप बना सकते हैं। आपको हल्दी को एक बार तोड़कर दिखाएंगे। ये हमारे पास 6 नंबर की जाली है, इसको आसानी से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान है इसका तरीका। और लगाने के बाद आप आराम से इसको चला सकते हैं। ये बैठ गया, हमें एक बार चेक कर लेना है कि हमारा हैमर जाली में फंस तो नहीं रहा है। उसके बाद आपको चैम्बर को बंद करना है, ये नट को टाइट करना है, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। इसको बिल्कुल अच्छे से टाइट करना पड़ता है। अब हमें आगे चैम्बर बंद करने के बाद हमें इसको चेंज करना है, इसमें हॉपर लगाना है मसाले के लिए। आप मसालों को पीसने के लिए हॉपर का उपयोग किया जाता है। इसमें आप हल्दी को तोड़ने के लिए हॉपर ये यहाँ पे लगेगा और इसमें हल्दी को डालेंगे और उसके बाद तोड़ेंगे। सब्जी की बात करते हैं तो हमारा हल्दी और गेहूँ घंटे का 60 किलो पर आवर का प्रोडक्शन है। बाकी सभी अनाज और मसाले घंटे का 100 से 120 किलो का पर आवर का प्रोडक्शन है इसका। पहले हम हल्दी को बारीक एक बार कूट लेंगे। ये हमारे पास हल्दी है मार्केट से लिया हुआ, बिल्कुल एकदम खड़ी हुई हल्दी। देखा मैंने हल्दी को तोड़ा और एक बार में बिल्कुल ये 7 नंबर की जाली लगा के मैंने एकदम महीन कर दिया है इसको। अब हम इस हॉपर को निकालेंगे हल्दी को दोबारा पीसने के लिए और इसको यहाँ पर लगाएंगे। हॉपर में हल्दी को इधर डालेंगे सेकेंड टाइम पीसने के लिए। अब हम इसमें से 6 नंबर की जाली को निकालेंगे और 3 नंबर की जाली को यहाँ पर सेट करेंगे। और ये मैंने 3 नंबर की जाली यहाँ पर लगा दिया। देखिए मैंने हल्दी को यहाँ मेन हॉपर में डाल दिया है। अब इसके बाद मैंने जाली को चेंज किया, मैं मशीन को ऑन करूँगा और ये हॉपर इसका खोलूँगा और ये इधर से सेट करूँगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का टाइम लगा और मैंने 1 किलो हल्दी पीस ली है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ हल्दी की क्वालिटी। आप ये देख सकते हैं हल्दी कितनी महीन है, एकदम मैदे की क्वालिटी का। आप इसको आराम से पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, कुछ ही सेकेंडों के अंदर 1 किलो हल्दी हमने यहाँ पर पीस दिया है। अगर हल्दी के क्वालिटी की बात की जाए तो हल्दी की क्वालिटी बहुत अच्छा आया है। आपको चने का सत्तू पीसते हुए दिखाएंगे। 2 किलो चना है, हॉपर को खोलेंगे। मुश्किल से मुश्किल हमें 15 सेकंड लगा। ये 2 किलो सत्तू हमने बिल्कुल देखिए एकदम से महीन। अब हम बेसन पीस के दिखाएंगे, इसलिए हम चना का दाल ये डालेंगे, 5 किलो दाल है। जैसा कि हमने देखा, मुश्किल से मुश्किल 3 से 3.5 मिनट लगा हमें 5 किलो बेसन पीसने में। आप देखिए बेसन की क्वालिटी, आप देखिए बिल्कुल एकदम फाइन क्वालिटी। इसी तरह से आप कई प्रकार के अनाज और मसालों को पीस सकते हैं इस मशीन के द्वारा। सो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह का पाउच आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक, किसी तरह का कोई मिलावट इस हल्दी में नहीं है। और ऐसी चीज़ों का अच्छा दाम शहरों में मिल जाता है, साथ ही साथ आपको छोटे कस्बों और टाउन में भी ऐसे हल्दी के पैकेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। वहाँ पे आप ये प्योर क्वालिटी का हल्दी इस तरह के पैकेट में पैक करके बेच सकते हैं। पैकिंग मशीन है, अब इसमें हम आपको ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को पैक करके, हल्दी 250 ग्राम, आधा किलो बेसन, सत्तू को पैक करके हम आपको दिखाएंगे। पैक करके इधर से निकालता जाएगा। ग्राम का पाउच है ये मैंने लगाया और ये आधा किलो का पाउच है बेसन का।
ये मैं पैक कर दिया इसको भी। आपको बस मशीन खरीदना है, पाउच खरीदना है और अपना रॉ मटेरियल लगा के आपको बिजनेस शुरू कर देना है। कुछ ही मिनटों का वक्त लगता है इस तरह के पैकेट को पीस कर और पैक करने में। खास बात यह है कि इस तरह के जो प्रचलन है 100% प्योर, 100% शुद्धता का वादा, और इस तरह के प्रोडक्ट को अगर आप बेचते हो तो आजकल काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि मिलावट का दौर है, और ऐसे में अगर शुद्ध आइटम बेचते हैं इस तरह के पैकेट में, प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, और साथ में 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक। तो ये हल्दी है 250 ग्राम, 250 ग्राम बेसन है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे बेसन है 0.5 किलो, ये हल्दी है आपका 200 ग्राम का पैकेट। तो ऐसे पैकेटों में पैक करके यकीनन अगर अच्छा काम किया जाए तो रोज का 100 किलो बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप रोज का 100 किलो शुरू में मैं बात कर रहा हूँ कि शुरू में कम से कम 100 किलो तो आप बेच ही सकते हैं। तो 100 किलो अगर आप बेच सकते हैं तो आप शुरू में महीने का 30-40 हज़ार रुपये आप इसके अंदर अगर मेहनत करेंगे तो कमा सकते हैं। प्राइस मात्र हमारे पास 45,000 रुपये अवेलेबल है 100% प्योर कॉपर वाइंडिंग के साथ और 6 महीने की मोटर की सर्विस वारंटी के साथ। और सेम मशीन हमारे पास पैकिंग मशीन है, उस मशीन में ये आपका 1 ईयर की सर्विस वारंटी है और आपका मात्र 25,000 रुपये का ये हमारे पास अवेलेबल हो जाए। ठीक है। So, दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने आपको दिखाया एक छोटा मोटा लघु उद्योग अगर शुरू करना चाहते हैं जो कि आगे चल के काफ़ी बड़ा भी बन सकता है। शुरुआत हमेशा छोटा ही होता है, लेकिन छोटी शुरुआत से ही हम बड़े बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने दिखाया बड़ा सा पोलराइजर जिसके अंदर बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन की जा सकती है कम रेट में, यानी कि 60-70 हज़ार रुपये के आसपास की मशीनों को लगाकर आप काम का शुरुआत कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए लघु उद्योग और स्मार्ट आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहें स्मार्ट आइडियाज। भारत माता की जय, और अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें। जय हिंद।